मानना पड़ेगा, हमारे जो टेलीविजन के कलाकार तैयार होते हैं और जो श्रृंगार करते हैं और ज्वेलरी पहनते हैं ना, हाई दे बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। तो चलिए बात करते हैं उनकी जो पहले भाभो थी और अब प्रतिभा देवी बन गई हैं, क्योंकि उनकी ज्वेलरी कलेक्शन भी काफ़ी अमेजिंग है। सबसे पहले तो नमस्ते, नीलू वगेला, और मतलब कि प्रतिभा देवी जी आ रही है आप बहुत जल्द, मतलब आप लोगों से मिलने वैसे शुरू हो चुका है मेरे हम सफ़र दंगल चैनल पर 7 बजे सोमवार से शुक्रवार। और हाँ, आपको तो पता है कि ज़्यादातर मेरी ज्वेलरीज जो है और शशि सुमित प्रोडक्शंस के अंदर ज्वेलरी मानसी मनोज जी करते हैं, और उनकी जो ज्वेलरीज होती है वो बहुत ही एंटेक्ट होती है और बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली होती है। वो जो भी कल्चर होता है उससे बहुत मिलती जुलती होती है, आपको फील होगा कि हल्दी है या मेहंदी है या संगीत है। तो मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले यहाँ से। इसके साथ साथ जैसे अगर मेहंदी हो तो ये देखिए, दिस इज द कलेक्शन। ये देखिए, ये तो बहुत ही डेलिकेट है एंड बहुत ही सुंदर है। इसका जो काम है देखिए कितना सुंदर है। लोग तो ना ऐसे भी पहन सकते हैं इसको, जैसे पार्टी वेयरिंग होती है ना। मेहंदी संगीत जो हो तो उस पर देख लीजिए, आपको फील भी होगा कि मेहंदी हो रही है। एंड द कलर ऑफ द बीड्स वो भी बिल्कुल वैसे ही है। ये तो बहुत ही आई थिंक ज़्यादा चलता है ये स्टाइल तो, मतलब बहुत यंग जनरेशन, बहुत यूथ लोग पहनते हैं इस चीज़ को। इट लुक्स वेरी नाइस। Here is Dhola Maru. See, ये तो मतलब आई थिंक बॉलीवुड में भी लोग पसंद करेंगे। सबसे ज्यादा अगर मुझे कहीं इवेंट में पहनना होगा तो मैं जो है आई वेयर दिस। Looks very rich. पहनते ही you feel and you can wear it in a gown. और इसमें अगर समझो peach type का gown हो या black gown हो या white gown हो तो उसमें आप ये सिर्फ इतना सा पहन लो, ये काफ़ी है। ये देखिए, इसका जो पेंट होता है इस पर बहुत ही इसको टाइम लगता है। एंड दिस बीड्स और ये सब जो नक्शेकारी होती है, मीनाकारी जो है, इट्स बहुत आसान नहीं होती है। इसके लिए स्पेशल होते हैं लोग जो बनाते हैं। आगे तो बहुत सारे कलेक्शंस दिखेंगे, ये शुरुआत है। ये हमने ना आपको सेव बटाटा पूरी पेश की है, अभी गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा और कड़ी पकौड़ा और रसमलाई, बहुत सारी चीज़ें मत याद दिलाओ, बहुत ज़ोर की भूख लग जाएगी। थैंक यू। Thank you.
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।